अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है करता हूं कि सब ठीक होंगे जी। आज हमारा काम है इस साइड में एक्सीबिशन का भी है, और एक्सीबिशन हम लोगों ने स्टार्ट की है इसकी मजलिस बुला की। और इसके अलावा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है कंपैक्शन पर तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, ग्रिड स्लैब के लिए। तो ग्रिड स्लैब की तैयारी कर रहे हैं अभी, कंपैक्शन उसकी स्टार्ट कर दी है, और इंशाल्लाह ग्रिड स्लैब और कॉलम की कंक्रीट जो है वो एक ही टाइम में हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी उस जगह के हिसाब से फिर स्मॉल क्वांटिटी कंक्रीट की है, तो उसके लिए फिर दो बार पंप जो है वो आएगा। तो हम लोग इंशाल्लाह इसको ग्रिड स्लैब और कॉलम्स जो हमारे हैं एक ही टाइम में कंक्रीट हो जाएगी वन टाइम। तो ऐसे होता है, पहले हम लोग करते थे जो ग्रिड स्लैब पहले फिर कॉलम्स, लेकिन इंशाल्लाह ये दोनों एक ही टाइम में होंगे। ये है जी कंपैक्शन, इसके कंपैक्टर के साथ कर रहे हैं। ये साइड जो है इसकी एक वन लेयर जो है वो लगा दी है, और उस पर फिर हमने पानी लगाया था कल, इसको यस्टरडे कंपैक्शन इसकी की थी, तो उसके बाद कंपैक्शन करने के बाद फिर इस पर पानी डाल दिया, फुल कर दिया वाटर इससे। और भी अगर जगह नीचे बैठेगी तो वो बैठ जाएगी, पानी नीचे तक चला जाता है। और सबसे आम जो होता है कंपैक्शन का जो पार्ट है वो ये है कि इसमें वाटर जो है इसको जितना आप लगा सकते हैं इसको फुल कर दे, ताकि तह तक जो है नीचे तक पानी चला जाए। अभी ये जगह देखे तो यहाँ पे हमने पानी डाला तो ये कितनी मिट्टी जो है इसके ऊपर टाई बीम के लेवल में थी, और आप देखें कि कितनी है, तकरीबन 20 सेंटी ये बाद जगह से 20 सेंटी नीचे चली गई है। तो इसलिए पानी जो पानी का लगाना, पानी से फुल करना वो बहुत ज़रूरी है। अब ये देख लें मिट्टी में जैसे ये क्रैक आए हुए हैं ये वाले, ये पानी ज़्यादा दिया और इसके नीचे मिट्टी नीचे बैठ गई। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब पानी जो है वो ड्राई जगह हो जाएगी थोड़ी, तो उस वक्त फिर आप कंपैक्टर के साथ इसकी कंपैक्शन करेंगे। तो माजरत के साथ अभी मैं शोर की वजह से थोड़ी आवाज़ मेरी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि कंपैक्टर चल रहा है इसकी बहुत ज़्यादा साउंड होती है और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें दोस्तों, अपना रखिए ख्याल जी। आज के लिए आज की जो वीडियो थी हमारी इतनी थी। अभी यहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैंने देख बताना था कि ये ग्रिड स्लैब जो है उसके लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं इसको जगह को, और ये अभी इंशाल्लाह 1 आवर के बाद ये रेडी हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हम लोग मैश डालेंगे, और जब ग्रिड स्लैब डाली जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारी जो 8 mm की जो है वो एज पर बल्दिया रोल ये जो है मैश ला के रखी है, ये जी मैश, ये इसका प्रोसेस भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे।